हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज का क्लास जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन हम लोग का स्टार्ट होगा 26 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या देखता है, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग देखते हैं। ठीक है, एक नवजात अपगार स्कोरिंग पद्धति में सबसे पहले कहाँ किया जाना चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए कब कब किया जाना चाहिए। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट है 1 मिनट, फिर 5 मिनट की 5 मिनट की उम्र अगले दिन तक, 10 मिनट फिर 30 मिनट पर, 40 मिनट की उम्र मिनट की, और फिर 5 मिनट और 30 मिनट की उम्र तक। तो यहाँ पे हमारा जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1 मिनट पे फिर 5 मिनट की उम्र तक जो है अगले दिन तक, एक दिनों तक जो हम लोग 24 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखते हैं तब तक। ठीक है, हम लोग 1 मिनट फिर 5-5 मिनट पे अंतराल पे हम लोग अपगार स्कोर चेक करते हैं। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन दुग्ध उत्पादन प्रतिवर्त के लिए उत्तरदायी है, यानी दुग्ध उत्पादन जो होता है यानी मिल्क सिक्रेशन, किस जो हार्मोन आप लोग बोलिए। ठीक है, किस हार्मोन के कारण होता है, यानी किस हार्मोन के कारण दुग्ध उत्पादन होता है यानी मिल्क सिक्रेशन होता है। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट है ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन बी है प्रोलैक्टिन, ऑप्शन सी है एस्ट्रोजन, ऑप्शन डी जो है वो है LH। तो देखिए हमारा जो ऑप्शन बी है वो राइट आंसर हो जाएगा, दुग्ध जो होता है हार्मोन उत्पादन में, सॉरी दूध उत्पादन में प्रोलैक्टिन जो हार्मोन होता है वो सहायता करता है। एक बात यहाँ पे आप लोग क्लियर कर लीजिएगा कि दूध का उत्पादन होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन के कारण, लेकिन अगर हम लोग बात करें कि दूध बनता किस हार्मोन के कारण है तो ऑक्सीटोसिन याद रखिएगा। दोनों क्वेश्चन में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। ठीक है, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन ग्रंथियों से लैक्टिफेरस साइनस और नलिकाओं में दूध की निकासी के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है, यानी दूध का निर्माण जो होता है निर्माण करने में कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है वो पूछा जा रहा है हमारे यहाँ पे। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट है ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन बी है प्रोलैक्टिन, ऑप्शन सी है एस्ट्रोजन, ऑप्शन डी है LH। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित को छोड़कर हाइपोथर्मिया के नैदानिक लक्षण क्या है। ऑप्शन फर्स्ट है पुअर फीडिंग, ऑप्शन बी है चयापचय अम्ल रक्तता, ऑप्शन सी है इंक्रीव्ड पेरिफेरल प्रोफ्यूजन, ऑप्शन डी है श्वसन संकट। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्री टर्म शिशु के लिए हाइपोथर्मिया के विकास के लिए अधिक प्रवण होते हैं। प्री टर्म यानी कि किसको बोलेंगे हम लोग, यानी जो बच्चा 37 वीक से पहले अगर हो जाता है तो उसको हम लोग प्री टर्म बोलते हैं। ठीक है, तो यही पूछा जा रहा है कि प्री टर्म के लिए हाइपोथर्मिया के विकास के लिए कौन सा जो अधिक सबसे प्रभाव करता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट है बड़े क्षेत्र सतह, ऑप्शन बी जो है वो है कमी भूरी वसा, ऑप्शन सी है खराब भोजन का सेवन, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे हमारा उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। नवजात मृत्यु का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या है, यानी अगर कोई नवजात शिशु है तो सबसे अधिक किस कारण से उसका डेथ होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट है हाइपोथर्मिया, ऑप्शन बी है पीलिया, ऑप्शन सी है सेप्टिसीमिया, ऑप्शन डी है दस्त।
ऑप्शन जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। सेप्टिसीमिया के कारण नवजात मृत्यु सर्वाधिक होता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। देखिए सेप्टिसीमिया के बारे में आगे आप लोग को मिल जाएगा, आखिर सेप्टिसीमिया क्या है। आप लोग के मन में कोई भी अगर क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका आंसर आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, सेप्टिसीमिया से पीड़ित नवजात शिशु में रक्त स्राव को रोकने के लिए किस दवा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए, हमारा ऑप्शन जो फर्स्ट है वो है सामान्य खारा बोलस, ऑप्शन बी है डेक्ट्रोज बोलस, ऑप्शन सी है कंगारू मदर के, और ऑप्शन डी है विटामिन के का इंजेक्शन। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के का इंजेक्शन, ठीक है। विटामिन के क्या करता है कि रक्त स्राव को रोकता है। अगर यहाँ पे कोई भी अगर कट लग जाता है बॉडी में तो मिनिमम जो एक औसत जो एवरेज होता है 2 से 3 मिनट में रक्त का थक्का बन जाता है। लेकिन किसी किसी में क्या होता है कि जल्दी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, कहीं भी अगर कट लग जाता है तो रक्त स्राव होता है, यानी ब्लीडिंग रुकती ही नहीं है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, यानी कि उसमें विटामिन के की कमी है। अगर विटामिन के की कमी है तो उसको क्या हो जाएगा, रक्त स्राव होने का खतरा रहेगा। अगर कहीं एक्सीडेंट होता है या फिर कहीं कुछ भी कट जाता है तो वहाँ पे रक्त स्राव होने की बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है, ठीक है। चलिए, तो 32 का हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं 33 नंबर। चलिए, 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि बाल्यावस्था के सामान्य विकारों को छोड़कर निम्नलिखित है, यानी कौन सा ये चार ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कोई एक है जो बाल्यावस्था के जो जनरल डिजीज होता है, यानी सामान्यतः वो बच्चों में नहीं होता है, कौन सा ऐसा डिजीज है। तो ऑप्शन फर्स्ट है पोलियो, ऑप्शन बी है खसरा, और ऑप्शन सी है दिल का दौरा, ऑप्शन डी है निमोनिया। तो इसका आंसर तो आप सभी को पता होगा कि क्या होगा, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए, 34 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में पोलियो के संचारण का सबसे सामान्य तरीका कौन सा है, यानी पोलियो क्या होता है। पोलियो आप सभी को पता है कि एक संचारी रोग है, और वो एक वायरस के पोलियोमाइलाइटिस एक वायरस है, उसी के द्वारा वो फैलता है। तो आखिर कौन कौन से तरीका से वो फैल सकता है, यही पूछा जा रहा है। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट है छोटी बूंद, ऑप्शन बी है फेको ओरल, ऑप्शन सी है पेरेंट्रल, और ऑप्शन डी है संक्रमित। एक मिनट आप लोग होल्ड कीजिए, तब तक आप लोग क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन को आप लोग आंसर कीजिए। क्वेश्चन का आंसर कीजिए कि आखिर क्या होगा, उसका आंसर क्या होने वाला है आप सभी को। तो देखिए, यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फेको ओरल, ठीक है। चलिए, 35 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मल में रक्त और मवाद की उपस्थिति एक महत्वपूर्ण नैदानिक अभिव्यक्ति है, यानी क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि मल में रक्त और मवाद की उपस्थिति कौन सी बीमारी का एक लक्षण है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट है हैजा, ऑप्शन बी है पेचिस, ऑप्शन सी है पोलियो, ऑप्शन डी है मेकोनियम। तो आप सभी को पिछले ही क्लास में बताया गया था, ठीक है। शुरू का आप लोग 2 या 3 क्लास आप लोग देखिएगा, तो उसमें पेचिस के बारे में डिटेल में बताए हुए हैं, उसका लक्षण भी बताए हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। सारा क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। शिशु में ऑक्टोस्पोर की
ऑटोस्कोपिक परीक्षण किसके लिए किया जाता है? ठीक है, ऑटोस्कोपिक एक परीक्षण है, टेस्ट है, वो किस लिए किया जाता है? हमारा ऑप्शन फर्स्ट है कान, ऑप्शन बी है आंख, ऑप्शन सी है नाक, ऑप्शन डी है मौखिक गुहा। तो देखिए हमारा जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कान। ठीक है, कान का परीक्षण के लिए शिशु का कान जो है प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, अगर कोई विकृति यहाँ पे नज़र आ रहा है तो उसी का टेस्ट करने के लिए ऑटोस्कोपिक टेस्ट किया जाता है शिशु में। ठीक है, कान का परीक्षण के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए 37 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस रोग के तैराक के कान के रूप में भी जाना जाता है, यानी किस रोग को हम लोग तैराक के कान भी बोलते हैं? ठीक है, तो आप ऑप्शन यहाँ पे देखिए, ऑप्शन जो फर्स्ट है वो है ऑटो ओटाइटिस मीडिया, ऑप्शन जो बी है वो है लेबरिंथाइटिस, और ऑप्शन सी है ओटाइटिस एक्सटर्ना, ऑप्शन जो डी है वो है राइनाइटिस। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, ओटाइटिस एक्सटर्ना। ठीक है, ओटाइटिस अगर कोई भी वर्ड मिले तो ओटाइटिस जो वर्ड होता है वो कान से रिलेटेड होता है, याद रखिएगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही अच्छा और फेमस क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन। बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, बेबी फ्रेंडली, इसको BFH भी बोलते हैं शॉर्टकट में, इसका कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। तो बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल, याद रखिएगा BFH। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, आखिर ये क्यों बनाया गया था, इसका कारण क्या है? ठीक है, तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट है सभी बच्चे को टीकाकरण करने के लिए, प्रदान करने के लिए, टीकाकरण करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट है। ऑप्शन बी है पर्याप्त MCH। ऑप्शन जो सी है वो है स्तनपान प्रथाओं में सुधार करने के लिए, सेवाएं प्रदान के लिए। ऑप्शन डी है परिवार नियोजन के लिए। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन सी हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा, स्तनपान प्रथाओं में सुधार करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी पहले जो है कुरीतियाँ होती थी ब्रेस्ट फीडिंग के मामले में, तो उसी को बताने के लिए कि आखिर क्या सही है और क्या गलत है। जैसे पहले जो है पीला गाढ़ा जो पहला दूध निकलता है पहले उसको फेंक दिया जाता था, जबकि ज़्यादातर उसमें जो होता है जितना भी अगर हम लोग विटामिन मिनरल की बात करें तो सबसे ज़्यादा उसी में होता था, और पहले के लोग फेंक दिया करते थे। तो यही सब और सारी कुरीतियां हैं, तो उसको दूर करने के लिए ये BFH जो पहल है वो शुरू किया गया था, ताकि जो उससे जो भी होने वाला है हानि तो उसको रोका जा सके। तो आप लोग चाहते हैं कि इस PDF को लिखना नहीं पड़े, ठीक है, लिखने से बचना है, और फिर जो भी आप लोगों के सामने जो भी एग्ज़ाम हुआ है, जैसे हाल ही में BTSC 10790 NM का एग्ज़ाम हुआ है, या फिर 8853 का जो एग्ज़ाम हुआ था कंटेक्ट पे, या फिर 865 का एग्ज़ाम हुआ था, सारा का एग्ज़ाम का जितना भी क्वेश्चन आप लोग को एक साथ देखना है, ठीक है, उस क्वेश्चन को एनालिसिस करना है, तो आप लोग ये PDF ले लीजिए। ठीक है, इस PDF में मिलेगा आप लोग को 4000+ क्वेश्चन, और उसमें रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी पिछला जितना भी ANM का एग्ज़ाम हुआ है सारा क्वेश्चन रहने वाला है, इसमें सारे शिफ्ट का क्वेश्चन रहने वाला है, और प्लस जो भी इससे रिलेटेड VVI क्वेश्चन बन सकता है वो सारा क्वेश्चन आप लोग के सामने इसमें रहेगा, जिससे आप लोग खुद भी एनालिसिस कर पाएंगे, खुद से भी समझ पाएंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन रहेगा। जो भी ANM में 6 सब्जेक्ट होता है, ठीक है,
सेकंड ईयर में जो होता है मिडवाइफरी और हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट, और फर्स्ट ईयर में हेल्थ प्रमोशन, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और प्राइमरी हेल्थ। ये सारा जो है आप लोग के सामने जितना भी क्वेश्चन है सारा कुछ रहने वाला है, ठीक है। और सारा इम्पोर्टेंट जितना भी क्वेश्चन है सारा रहेगा, आप लोग को लिखने की ज़रूरत नहीं है, सारा एक पीडीएफ में मिल जाएगा। इस पीडीएफ को अब आप लोग के मन में आ रहा होगा कि ये पीडीएफ कैसे ले, तो ये पीडीएफ लेने के लिए आप लोग के सामने एक व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिख रहा है, ये व्हाट्सएप नंबर चंदन सर का है। ये व्हाट्सएप नंबर आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने जो है मोबाइल में सेव कर लीजिए और फिर इस पर व्हाट्सएप कीजिए कि पीडीएफ चाहिए, तो आप लोगों को ये पीडीएफ व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पीडीएफ है आप लोग के सामने, जो भी एग्ज़ाम में वैकेंसी आने वाली है, ठीक है, वो वैकेंसी में इस पीडीएफ से आप लोग 100% श्योर रहिए कि इस पीडीएफ से ही क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि अभी तक जितना भी एग्ज़ाम हुआ है सारे एग्ज़ाम का इसमें रहने वाला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्लस उससे रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा कुछ इंक्लूड किया गया है, ठीक है। और वो पीडीएफ जो है इसमें आप लोग को यूट्यूब पे पढ़ाया भी जाएगा और जो भी एक स्पेशल की पॉइंट है उसको आप लोग को मिलेगा एक व्हाट्सएप ग्रुप में। जैसे ही आप लोग ये पीडीएफ परचेज कीजिएगा आप लोगों को एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, और उस जो ग्रुप है उस ग्रुप में आप लोगों को जो भी पीडीएफ लेंगे केवल वही रहेंगे, और उस ग्रुप में आप लोगों को एक सीक्रेट जो है वो वीडियो भी शेयर किया जाएगा जिससे आप लोगों को जो भी डाउट है वो क्लियर हो पाएगा, ठीक है। जो भी डाउट है वो आप लोग पूछ भी सकते हैं, क्लास का सारा अपडेट उसमें मिल जाएगा, ठीक है। जितनी भी परेशानी है आप लोग वहाँ से शेयर कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर आप लोग जो है व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए, चंदन सर का है, तो आप लोग ये पीडीएफ ज़रूर लीजिए। ये व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर पे तुरंत ही मैसेज कीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो चलिए यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, IMNCI का समग्र उद्देश्य क्या है, ठीक है। पहले क्वेश्चन का आंसर जान लेते हैं फिर IMNIC के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे यहाँ पे। चलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 5 ऋणता और मृत्यु दर को कम करने के लिए, ऑप्शन बी है सभी नवजात शिशुओं को प्रतिरक्षित करने के लिए, ऑप्शन सी है ज़रूरतमंद लोगों को स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने के लिए, ऑप्शन डी है LHV और ANM को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 ऋणता और मृत्यु दर को कम करने के लिए। सबसे पहले IMNCI का फुल फॉर्म जानते हैं। IMI से होता है इंटीग्रेटेड। M से होता है मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट यहाँ पे लिख दे रहे हैं मैनेजमेंट ऑफ। N से होता है नियोनेटल। एंड C से होता है चाइल्डहुड और I से होता है इलनेस, ठीक है। लिख लीजिए इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट नियोनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस, यहाँ पे ये हो गया। तो IMNIC क्यों चलाया गया, यहाँ पे ये चलाया गया था बच्चों के जो भी मृत्यु होता है, जो भी शिशु मृत्यु होता है उसको मृत्यु दर को कम करने के लिए। सबसे ज़्यादा मृत्यु जो होता है वो 5 जो बीमारियां होती है, वो 5 बीमारियां कौन कौन सी है ये भी बताएंगे, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में ये भी पूछता है कि IMNIC में जो 5 बीमारियां होती है वो कौन कौन सी होती है, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। IMNIC जो होता है वो 5 प्रकार की जो बीमारियां होती है उसी को कम करने के लिए, ताकि शिशु मृत्यु दर कम हो सके। और वो 5 प्रकार की बीमारियां कौन कौन सी है
निमोनिया है आपका, निमोनिया हो गया, खसरा हो गया, पोलियो हो गया, और डायरिया और कुपोषण। ठीक है, ये पांच चीज आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग चौथा 40 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 100 ml माँ का दूध प्रदान करता है, 100 ml माँ का दूध कितना कैलोरी प्रदान करता है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए हमारा ऑप्शन जो फर्स्ट है वो 50 कैलोरी, ऑप्शन बी है 44, ऑप्शन सी है 67, और ऑप्शन जो डी है वो है 100। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगर ऐसे पूछे आप लोग से कि 100 ml में कितना कैलोरी, तो 60 से 70 कैलोरी होता है। यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग 67 दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर आप लोग से पूछे तो आप लोग 60 से 70 कैलोरी बताइएगा कि 100 ml माँ के दूध में कितना कैलोरी होता है, तो 60 से 70 कैलोरी। तो ये सारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जो है याद कर लीजिएगा। ठीक है, और ये जो PDF है आप लोगों को मिलेगा इस नंबर पे 87 89 69 42 29। ठीक है, इस नंबर पे आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, व्हाट्सअप पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। ठीक है, चंदन सर का नंबर है, इस पे जैसे ही आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा तो आप लोग को ये PDF मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग को लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए आप लोग जो है रिवीजन करने में भी हेल्प मिलेगा अगर ये आप लोग PDF लीजिएगा। चलिए, उस PDF का क्वेश्चन जो है वो ख़त्म हो चुका था, अब हम लोग दूसरे PDF से पढ़ते हैं। अगर ये सारा PDF अगर आप लोग एक जगह चाहते हैं, जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस PDF में, आप सभी को पता है कि प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन है, तो आप लोग को जो अभी व्हाट्सअप नंबर बताए हैं ये 87 89 69 42 29, तो इस पर आप लोग व्हाट्सअप कीजिए, आप लोग को ये PDF मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि इन्वर्टेड निप्पल का प्रबंधन क्या है। ठीक है, इन्वर्टेड निप्पल क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट है लगातार स्तनपान सुनिश्चित करें, ऑप्शन बी जो है वो कह रहा है कि स्तन को बार बार साबुन और पानी से धोए, ऑप्शन जो सी है वो मैनुअल रूप से निप्पल को फैलाए और दिन में कई बार रोल आउट करे। ठीक है, और ऑप्शन जो डी है वो बोल रहा है चूसने के दौरान बच्चे द्वारा स्तन को खींचने से बचे। तो ऑप्शन जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, देखिए इन्वर्टेड निप्पल क्या होता है कि जिस भी फीमेल का अगर निप्पल धंसा हुआ मुड़ा हुआ टाइप का रहता है तो उसको हम लोग इन्वर्टेड निप्पल बोलते हैं। तो उसका मैनेजमेंट यानी प्रबंधन यानी उससे छुटकारा पाने के लिए ये ऑप्शन जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन हम लोग अगला देखते हैं। क्वेश्चन हम लोग का अगला क्या कहता है, जब नवजात शिशु के सिर को धीरे धीरे दाएं से बाएं घुमाया जाता है तो सामान्यतः आंख नहीं हिलती है, यह किसकी उपस्थिति दर्शाता है। ठीक है, आप लोग रिफ्लेक्स पढ़े होंगे, रिफ्लेक्स पूछा जा रहा है कि कौन सा रिफ्लेक्स बोलेंगे अगर नवजात शिशु है उसको सिर को अगर राइट से लेफ्ट घुमाते हैं तो उसका आंख जो है वो स्थिर रहता है, नहीं घूमता है। ठीक है, तो वो कौन सा रिफ्लेक्ट उसको हम लोग बोलेंगे। ऑप्शन फर्स्ट है मोरो रिफ्लेक्ट, ऑप्शन बी है ब्लिंकिंग रिफ्लेक्ट, ऑप्शन जो सी है वो गैंगिंग, ऑप्शन डी है गुड़िया की आंख रिफ्लेक्स। तो ऑप्शन जो डी हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा, गुड़िया की आंख रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्ट से भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा, और भी एक दो इम्पॉर्टेंट है आगे आप लोग को इसमें आएगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि और क्या क्या है। एक नवजात में मुंह के पास गाल को छूने या सहलाने से उत्तेजना की ओर मुड़ जाता है, या किसकी उपस्थिति दर्शाता है, यानी कौन सा रिफ्लेक्ट के कारण ऐसा होता है कि हम लोग उसका गाल और छुएंगे। ठीक है, सहलाएंगे तो वो उत्तेजना वो प्रकट करता है। ठीक है, हाथ पैर मारता है तो वो किस कारण से। हमारा ऑप्शन फर्स्ट है सकिंग रिफ्लेक्स,
ऑप्शन बी है गुड़िया की आँख, ऑप्शन सी है मोरो रिफ्लेक्स, ऑप्शन डी है रूटिंग रिफ्लेक्स। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो डी हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। रूटिंग रिफ्लेक्स उसको बोलेंगे अगर उसको हम लोग आँख जो सॉरी गाल छुएंगे उसके बाद से सहलाएंगे तो वो उत्तेजना प्रदान करता है, तो उसको हम लोग रूटीन रिफ्लेक्स बोलेंगे। चलिए चार नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सी रक्त वाहिका गर्भ नाल से ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है? ठीक है, दो प्रकार के आप सभी को पता है कि ब्लड होता है, एक ऑक्सीजनित युक्त यानी ऑक्सीजन युक्त और एक अनऑक्सीजन युक्त यानी एक में ऑक्सीजन रहता है और एक में ऑक्सीजन नहीं रहता है। तो वो कौन सा गर्भनाल की जो भाग है जो ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा ऑप्शन फर्स्ट है गर्भनाल धमनी, ऑप्शन बी है गर्भनाल नस, ऑप्शन जो सी है वो पोल्मोनरी धमनी और ऑप्शन जो डी है वो है पोल्मोनरी नस। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, गर्भनाल नस। नस यानी कि सीरा, हम लोग उसको सीरा भी बोलते हैं, ठीक है, वेन बोलते हैं इंग्लिश में। तो गर्भनाल जो नस होती है, ठीक है, वो ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है, याद रखिएगा। अगर आप लोग को पीडीएफ लेना है ये सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का तो व्हाट्सएप नंबर है 87 89 69 42 29, ठीक है, इस पर आप लोग व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मिल जाएगा। चलिए पांच नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बच्चों में ब्रेंकियल अस्थमा की सबसे आम जटिलताएँ क्या है? ठीक है, ब्रेंकियल जब अस्थमा हो जाती है तो उसका सबसे बड़ा लक्षण क्या है? हमारा ऑप्शन जो फर्स्ट है वो है हाइपोक्समिया, ऑप्शन बी है एटलेक्सिस और ऑप्शन सी है एम्फाइसीमा, ठीक है, एम्फाइसीमा, और जो ऑप्शन डी है वो है संचयशील दिल की विफलता। तो ऑप्शन जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा, एम्फाइसीमा। चलिए छः नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अतिसार के लिए निवारक उपाय में शामिल है, यानी किसी को अतिसार हो गया तो उसका सबसे अच्छा उपाय उससे छुटकारा पाने के लिए क्या है? तो ऑप्शन फर्स्ट है व्यक्तिगत और पर्यावरणीय स्वच्छता, ऑप्शन बी है खाद्य दूषण से बचे, ऑप्शन सी है बोतल से दूध पिलाने से बचना चाहिए, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। सात नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित को छोड़कर बच्चों में पाए जाने वाले आदत विकारों के उदाहरण है, ठीक है, कौन सा जो ऐसा यहाँ पे आप लोगों को लक्षण दिखाई दे रहा है जो एक क्या है कि वो आदत नहीं है बल्कि वो एक विकार है, ठीक है। चलिए ऑप्शन फर्स्ट है वो है अंगूठा चूसना, ऑप्शन बी है वो है नाखून काटना, ऑप्शन सी है मानसिक मंदता और ऑप्शन डी है शरीर के अंगों को काटना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा सी जो है जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, मानसिक मंदता क्या है कि वो एक विकार है, कोई यहाँ पे आदत नहीं है, जैसे बहुत सारे बच्चों को रहता है अंगूठा चूसना, ठीक है, नाखून काटना और फिर शरीर के अंगों को काटना, तो ये सारी आदतें होती है, लेकिन मानसिक जो मंदता होती है मंद बुद्धिता का तो वो एक विकार है न कि लक्षण। यहाँ पे आप लोग से बोला जा रहा है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन के बारे में पिछले वीडियो में बताए भी थे। तो चलिए यहाँ पे बताते हैं कि बच्चों में सबसे आम क्रोमोजोमल विकार क्या है, यानी सबसे ज़्यादा जो अनुवांशिक विकार होता है क्रोमोजोमल यानी अनुवांशिक, तो सबसे अनुवांशिक सॉरी क्रोमोजोमल मतलब गुणसूत्रीय विकार, तो सबसे अधिक होने वाले गुणसूत्रीय विकार जो बच्चों में होता है वो कौन सा है? तो ऑप्शन फर्स्ट है डाउन सिंड्रोम,
ऑप्शन बी है पटाउ सिंड्रोम, ऑप्शन सी है टनल सिंड्रोम, ऑप्शन डी है एडवर्ड सिंड्रोम। तो ऑप्शन जो ए हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा डाउन सिंड्रोम। आप सभी को पता होगा कि डाउन सिंड्रोम में क्रोमोजोम यानी गुणसूत्र की संख्या बढ़ता है कि घटता है। आप लोग कमेंट में ज़रूर आंसर बताइएगा कि डाउन सिंड्रोम में क्रोमोजोम की संख्या जो होती है वो कितनी हो जाती है, ठीक है। और आज का क्लास कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा, और क्या सुधार किया जा सकता है, किस टॉपिक पे, किस स्पेशल टॉपिक पे आप लोग को वीडियो चाहिए ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आप लोग क्या क्या और सीखना चाहते हैं और किसका वीडियो चाहते हैं वो भी कमेंट में बताइएगा, और आपके मन में अगर कोई भी क्वेश्चन है तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आप लोग का रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।